ये फोटो लेते रहो, बहुत ही एनर्जी है उसके साथ, इतनी एनर्जी जो है बहुत मुश्किल से देखने को मिलती है। कोरोना के बाद में जो है पता चला कि हम लोग जो है एक साथ में मिलना कितना जरूरी है। मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि पहले जो बोला था अभी आपको वनडे खेलना है, 30 मिनट का टाइम दिया था कबीर जी ने शुरुआत में, और अभी बोला उन्होंने कि आपको 2020 में जो है पूरा करना है, 15 मिनट पे आ गए, कोई बात नहीं 2020 खेलेंगे। तो अगर आप शुरुआत करेंगे दोस्तों, मेरा एक्सपीरियंस जो है जितना भी है ये हमारे यावलकर साहब के जो है आशीर्वाद से, ये मैं बहुत उनको मतलब कर्म स्पर्श करके मैं बोलता हूँ। हमने देखा जब भी आप इंट्राडे करते हो, ज्यादा करके लोग जो इंट्राडे करते हैं ताकि थोड़ा पैसा जो है जल्दी मिले, उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जब भी हम लोग इंट्राडे करते हैं मेरे को ऐसा लगा कि इंट्राडे करने के अंदर भी जो है, अगर आप सुनील गावस्कर के जैसा आपने बैटिंग किया तो आपको ट्रेड्स कम मिलेंगे, उसके जैसे जो है सिक्सर्स और फोर आपको कम मिलेंगे, लेकिन जो मिलेंगे बेहतर मिलेंगे आपको। तो लोग आज की दुनिया में स्काई सूर्य कुमार यादव बनते हैं, अच्छे भी खेलते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आपके पास स्किल है और अगर आपने संभाल के उसको यूज किया तो आपको थोड़ा सा जो है पैसा मिलने का प्रोबेबिलिटी आपका जो है इनहांस होता है। तो मैंने देखा ये प्रोबेबिलिटी इनहांस जो है कैसे होता है, तो जब भी आप ये इंट्राडे के ट्रेड लेते हो, अगर आपने ये लेने के पहले अगर आपने तैयारी किया, आपने पूरा अभ्यास किया, तो आपका थोड़ा सा जो प्रोबेबिलिटी बढ़ता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो हम क्या करते हैं प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए, क्या करते हैं एक दिन पहले या मार्केट शुरू होने के एक आधा घंटा पहले थोड़ा मार्केट का जो है जायजा ये लेते हैं, व्यू लेते हैं, मार्केट क्या है और कहाँ जा सकता है। इसके लिए जो है मैं इंटरेस्ट देता हूं, ज्यादा इंटरेस्ट लेता हूं मैं ओपन इंटरेस्ट में और गैप्स में। मेरा एक पूरा 15 मिनट का ये जो है व्यू रहेगा, ये सिर्फ रहेगा ओपन इंटरेस्ट में और गैप्स में, इसका आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, बाकी तो आपको पता है, आप सब ट्रेडर हो, मेरे से भी जो माहिर हो तो आपको पता नहीं जरूरत नहीं, लेकिन ओपन इंटरेस्ट में ज्यादातर यूज करता हूँ। ये मेरा जो है कवरिंग रहेगा, प्राइस एक्शन, ओपन इंटरेस्ट, गैप्स का इस्तेमाल कहाँ पे करना है, कौन सी प्रोसेस फॉलो करनी है, और उसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा, टाइम बहुत छोटा है लेकिन तो भी मैं एग्जांपल दूंगा आपको इसको कैसे यूज करना है। नेक्स्ट, तो सब लोग जानते हैं कि ये ओपन इंटरेस्ट जो है ये आपको बहुत जो है आपको मतलब क्लोजली आपको व्यू देता है कि मार्केट में पर्टिकुलर स्टॉक कहां पे है, जैसे प्राइस ऊपर है, ओपन इंटरेस्ट भी ऊपर है, हम लोग बोलते हैं लॉन्ग बिल्डअप है, वैसे प्राइस नीचे जा रही है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, हम लोग बोलते हैं शॉर्ट बिल्डअप है, मतलब जोरदार जो है मार्केट गिरेगा या गिर रहा है जो भी है। तीसरा है लॉन्ग अनवाइंडिंग, प्राइस ऊपर जा रही है लेकिन ओपन इंटरेस्ट जो है धीरे धीरे कम हो रहा है, और चौथा जो है शॉर्ट कवरिंग, मार्केट भी गिर रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी जो है उसके साथ में गिर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है यहाँ पे टाइम है, तो ये तीन चीज जो है इसको हम लोग आज के लिए बाजू में रखते हैं, आज के दिन में हम लोग सिर्फ जो लॉन्ग बिल्डअप पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, सिर्फ लॉन्ग बिल्डअप। नेक्स्ट, तो आपने मार्केट शुरू होने के पहले आपने देखा कि लॉन्ग बिल्डअप, सॉरी आपका जो ओपन इंटरेस्ट है वो लॉन्ग बिल्डअप में कहां पे है, मार्केट शुरू होने के बाद में आपको देखना है गैप कौन सा क्रिएट हो रहा है, गैप्स बहुत सारे हैं, इनसाइड गैप है, सेम डे में जो गैप करता है, आउटसाइड गैप है जो कल के दिन को तोड़ के ऊपर या नीचे जाता है, वो गैप को आउटसाइड बोलते हैं, कंटिन्यूएशन गैप, रिवर्सल गैप,
हम लोग आज के दिन में मायने नहीं रखेगा, क्योंकि आज हम लोग इंट्राडे पे बात कर रहे हैं। तो हम लोग सिर्फ बात करेंगे इनसाइड और आउटसाइड गैप की, ट्रेड लेने के टाइम पे। तो ये मेरा प्रोसेस है, इसमें मैं जाता हूँ, एनएससी में जाता हूँ। एनएससी में जाने के बाद में जो है ओपन इंटरेस्ट स्पॉट कितना है ये मैं हमेशा देखता हूँ ना। और मेरा एक जो है कैलकुलेशन है, 18-35% जो है जहां पे ओपन इंटरेस्ट का स्पॉट है वो मैं नोट करता हूँ। उसके बाद में जो है मैं कैंडल देखता हूँ, कैंडल कहाँ पे डेली की, वो कैंडल बुलिश है, बेरिश है या न्यूट्रल है, वो हिसाब से जो है मेरा ट्रेड सेटअप दिमाग में जो है बैठता है। फिर मार्केट शुरू होता है, जैसे मार्केट शुरू हुआ तो मेरा जो सेटअप रेडी है कि भाई एक दिन पहले मार्केट ने क्या किया है, मार्केट कहाँ पे है। जैसे मार्केट शुरू हो गया तो मैं 15 मिनट के लिए मैं वेट करता हूँ, मैं पहले 15 मिनट के कैंडल को जो है पूरा करने देता हूँ। उसके बाद में जो नेक्स्ट कैंडल है उसको अगर वो गैप अप वो दिन के हाई को तोड़ के ऊपर जाती है तो उसमें पावर ज्यादा है। और ये मेरा 18-35% वाला जो कैलकुलेशन है उसमें और भी पावर मिलता है ओपन इंटरेस्ट के थ्रू। ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, प्राइस भी जा रहा है, कल का जो है हाई भी तोड़ा है, तो आप समझिए कि पावर कितना उसमें जो है वो लगा है। तो ये फॉर्मेशन जो है जैसे उसे तोड़ा इमीडिएट लेते नहीं है, हम लोग वेट करते हैं ये फाइटिंग कैंडल के। ये फाइटिंग कैंडल क्या है, ये फाइटिंग कैंडल जो है ये टग ऑफ वॉर है आपका बुल और बेयर के बीच में। कोई भी उसको खींचने के लिए कोशिश करता है नीचे, और कोई तो भी जो है उसको ऊपर करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन बीच में जो है वो मार्केट मूव नहीं होता है, फाइट चलते रहती है। तो ये कैंडल बहुत जरूरी है टग ऑफ वॉर वाला। तो ये मेरा स्लाइड है, आपको बताएगा कि वो स्पॉट जो है कैसे दिखता है। यहाँ थोड़ा खंड दिख रहा है, आपको वो एक्सपर्ट दिखे चेंज दिखेगा नहीं, उसे परसेंटेज है 25 है 20-22 ऐसे परसेंटेज, इसमें आपको देखना है, इसमें से आपको नोट करना है वो एक्सपर्ट में से। तो ये मेरा ट्रेड था, ये है सोलार। जैसे मैंने बोला मार्केट शुरू होने के पहले 15 मिनट आधा घंटा मैंने वो एक्सपर्ट देखा, मैंने डेली कैंडल देखा जो कल का क्लोज कहां पे हो गया। तो ये कैंडल क्लोज हो गया, देखिए तो ये कैंडल क्या है, बुलिश कैंडल है, मानते हैं सब लोग। इसका मतलब मेरा ओपन इंटरेस्ट का स्पॉट जो है वो हाई है, मेरा कैंडल बुलिश है, इसका मतलब मेरा बुलिश ट्रेड लेना जो है मेरा जमता है, मैं ले सकता हूं। नेक्स्ट लाइन मेरा कंफर्मेशन हो गया कि मेरा बुलिश ट्रेड लेना जो है बनता है। अभी 15 मिनट पे आ गया, तो जैसे मार्केट शुरू हो गया मैं 15 मिनट पे आ गया इंट्राडे का। इसमें मार्केट शुरू हो गया कल के हाई को उसने तोड़ा, बराबर तोड़ के ऊपर गया, लेकिन ये कैंडल जो है फाइटिंग कैंडल नहीं है, ये भी कैंडल जो है फुल फ्लेज कैंडल है। यहां पे आप देखो मैंने एरो किया, यहां पे फाइटिंग कैंडल क्रिएट हो गया, वार चालू हो गया दोनों में, बुल और बेयर में ये टफ फाइट चालू हो गया। ये कैंडल मेरे लिए बहुत जरूरी है। तो जैसे कैंडल फॉर्म होती है तो मैं ये पहले कैंडल के ऊपर को और नीचे को मैं ट्रेड लगाता हूं। ऊपर में मेरा ट्रेड बनता है जैसे इसको तोड़ेगा तो, नीचे में मेरा स्टॉप लॉस होता है और मैं 1:2 इंट्राडे ज्यादा वेट नहीं करता, 1:2 गलती से मिलेगा तो 3-4 नसीब में है तो, लेकिन 2 लेके जो है वो वेट करते। तो ये ट्रेड ने देखी है वहां तक देखी, हम लोग इतना वेट नहीं करते, भले आज आपको दिख रहा है 1:2 में निकल जाते हैं। तो ये हो गया आपका सेटअप हो गया पॉजिटिव, ओपन इंटरेस्ट ने जो है क्या कमाल किया, बराबर। अभी हर थियरी जो है चलती है ऐसा नहीं है, थियरी के कुछ जो है ड्रॉबैक्स भी है, ये ड्रॉबैक वाला पार्ट है।
आपको पहले वाला पता चला नहीं है, बहुत बढ़िया पैसा मिल गया, मिलेगा, लेकिन वैसे ही जो है कुछ प्रिकॉशन भी आपको लेने पड़ेंगे ट्रेड के टाइम। ये प्रिकॉशन वाला आपका जो है स्ट्रेट, ये ट्रेड ले लिया, यहां पर भी जो है मार्केट ने जो है हाई तोड़ दिए, फाइटिंग कैंडल यहां पे क्रिएट हो गया, देखो तो हमने यहां पे ट्रेड ले लिया, इसको कट करते ट्रेड चला यहां तक, ट्रेड नीचे तक आ गया। इसका रीजन मैं आपको अगले स्लाइड में बताता हूं ना, ये आपको प्रिकॉशन लेना है। कोई भी चीज करने के पहले आपको देखना है डेली का आपका RSI कहां पे है। अगर आपका RSI डेली का अगर 70 के ऊपर है तो आपको आपकी पोजीशन साइज जो है बहुत कम रखनी है, या तो आपको ट्रेड को अवॉइड करना है, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक ट्रैप है ये। यहां से मार्केट तो आपको बाउंस दे रहा है, इन साथ में जो है आपको पता नहीं है कि यहां से आपको जो है खाने के लिए कोशिश भी करेगा, तो ये ट्रैप में आपको फंसना नहीं है। इसके लिए आपका पोजीशन साइज कम करो या तो ट्रेड नहीं ले लो, दोनों में से। तो यहां पे देखो ट्रेड फंस गया, ट्रेड फंस गया, देखो ट्रेड यहां पे ले लिया, ट्रेड चला नहीं, ये तो साइडवेज गया, नीचे आया, कुछ नहीं हुआ, तो यहां पे ट्रेड फंस गया। लेकिन फंसने के पहले अगर आपके पास स्किल है कि मेरे को ये फंसा रहा है, तो आप ट्रेड में जो कॉशियस रहेंगे। तो ये रहा फ्यूचर वाला ओपन इंटरेस्ट, वन इश टू बोला मैंने, तो ये हमारा हो गया फ्यूचर, चार मिनट बाकी। तो ये हम लोग का हो गया फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट हो गया। वैसे हम लोग आते हो ऑप्शंस पे, आते ऑप्शंस पे हम लोग क्या करते हैं, कोणाला काही प्रश्न विचारायचे असतील ना तेव्हा तेव्हा तुम्ही नाही का नाही आता नाही नंतर हा हो ठीक आहे अशा प्रकारचे प्रश्न घ्या, फिर मेरा 15 मिनट बड़ा नहीं का ओपन इंटरेस्ट कैसे होता है, दो टाइप का है, एक तो फ्यूचर में है, एक ऑप्शंस में है। हम लोग जो ट्रेड कर रहे हैं वो फ्यूचर के ओपन इंटरेस्ट में ट्रेड कर रहे हैं, ऑप्शंस में ट्रेड नहीं ले रहे, बराबर ना। तो जहां पे दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज होता है उसको बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट। तो जहां पर आपकी प्राइस बढ़ती है ना, तब आपके पास एक्सिस बैंक है, आपको पता चल रहा है एक्सिस बैंक का भाव बढ़ रहा है, और साथ में आपने देखा ओपन इंटरेस्ट स्पॉट, स्पॉट मतलब जो है जोरदार जो उसमें मूवमेंट आ रही है, उसमें आपको दिखा एक्सिस बैंक का ओपन इंटरेस्ट भी जो है वो 35-40 तक का गया है। इसका मतलब जो है एक्सिस बैंक में कुछ भी धमाका जो है हो रहा है, इसको बोलते हैं लॉन्ग बिल्डर। वैसे शॉर्ट का होता है आपका जो है प्राइस गिर रहा है, आपका ओपन इंटरेस्ट जो है बढ़ रहा है, उसमें जोरदार जो है गिरावट आती है, बराबर है। तीसरा आपका है लॉन्ग अनवाइंडिंग, आपका एक्सिस बैंक बढ़ रहा है लेकिन साथ में जो है उसका ओपन इंटरेस्ट जो है घट रहा है। अगर आप अगर माहिर है ये समझने में तो आप कॉशियस रहेंगे एक्सपेंड का ट्रेड लेने के टाइम में, क्योंकि ये रिवर्सल का जो है सिग्नल है ना, आपका वो पोजीशन साइज बोलो या आपका जो भी लॉट साइज बोलो, आप बहुत संभाल के लेंगे, जैसे आपको ये पता चलेगा वैसे। या तो साथ में हमको सिखाया है बेयर पुश एरिया, बुल पुश एरिया, तो ये शायद बेयर पुश को आपको लेके जा रहा है। तो यहाँ पे आपको ट्रेड जो है पॉजिटिव लेना नहीं, ऊपर वाला लेना नहीं, हो सकता है बेयर पुश में जाके जो नीचे डालेगा आपको, तो आप उल्टा ट्रेड लेना। तो ये टाइम बहुत कम है ये सब समझ ये समझाने के लिए। तो वैसे ये शॉर्ट कवरिंग है,
एक्सिस बैंक जो नीचे जा रहा है लेकिन ओपन इंटरेस्ट भी नीचे जा रहा है, इसका मतलब जो है ट्रेड में धीरे 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 जो है वो रिवर्सल आ रहा है या आने की चांसेस है। आप समझिए इसके लिए बोला मैंने 15 मिनट मेरा एडिशनल आपको बढ़ाना पड़ेगा। देखो मेरा 15 मिनट पूरा हो गया। जब भी आप मार्केट शुरू होने के आधा घंटा पहले अगर आप देखेंगे ओपन इंटरेस्ट पर तो आपको पलका दिखेगा, आज का नहीं दिखेगा, मार्केट अभी खुला नहीं है। तो यहाँ पे आपको आइडिया आता है कि ओपन इंटरेस्ट में कितना जो है उछाल है। यहाँ पे परसेंट दे दो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, शायद आपको वहां से दिखेगा नहीं, दिख रहा है। तो इसमें से हम लोग पूरा लेते नहीं, जिसको ज्यादा है वो भी लेते नहीं, शायद उसमें से जो है वो पावर कम हो सकता है, बहुत ही वो जो है उसने उछाल मारा है। इसके लिए 20 वाला लेते, 18-35 तक का हम लोग ले लेते ऐसा। तो क्लियर हो गया ओपन इंटरेस्ट पार्ट, इसका क्वेश्चन था। तो ये आपको देखना है, सिंपल है, आप वेबसाइट में जाइए एनएससी में, ओपन इंटरेस्ट पार्ट मारिए, ये वाला आपको स्लाइड आ जाएगा। हाँ नेक्स्ट, और है ये तो अभी हमने बात किया फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट, अभी हम देखने जा रहे हैं ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट। जैसे हम लोग ट्रेड लेते हैं फ्यूचर का, वैसे हम लोग जो ट्रेड लेते हैं ऑप्शंस का, स्पेशली इंट्राडे के लिए बहुत सारे साइड्स हैं, लेकिन हम लोग यूज करते हैं ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइन में जो है मेरे को पता चलता है कि कौन से मोस्ट एक्टिव जो है कॉन्ट्रैक्ट है मेरे को मिलते हैं कॉल्स में, मेरे को मिलते हैं पुट्स में मिलते हैं। तो ये डाटा को देख के एग्जाम्पल अगर दूंगा तो एस्ट्रल, एस्ट्रल में देखो कॉन्ट्रैक्ट गेनर्स कॉल साल में देखिए मार्केट शुरू होने के पहले जो है आपने देखा होगा तो ये बता रहा है एस्ट्रॉल 2080 बता रहा है, कॉल की साइड एस्ट्रॉल 2080 बता रहा है, इसका मतलब मार्केट उसको 2080 के ऊपर जाने नहीं देगा, ऐसा इसका मीनिंग होता है। और आप इसका कमाल देखिए ओपन इंटरेस्ट का, एग्जैक्टली जो है वो 2080 को फाइट करके वो 2075 पे बंद हो गया, मतलब कितना पावर है देखो ओपन इंटरेस्ट में, उसने जाने दिया नहीं, 2080 को फाइट करके पूरा जो है बाजार को नीचे लेके आए 2075 पे। ये पावर है आपके ओपन इंटरेस्ट का, तो इसको हम लोग जो है अच्छा इस्तेमाल करेंगे तो आपका ट्रेड का प्रोबेबिलिटी चांसेस ज्यादा रहेगा। ये मेरी तरफ से, तो आप अपना जो स्टडी करिए, मैंने मेरा तजुर्बा आपको बताया, साउंड मेरे को सिखाया था, लेकिन आप आपका जो खुद का जो है